हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन मूवी के बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बाद वार्नर ब्रदर्स ने कई सारे स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट अनाउंस किए थे, जिनमें से एक था डीसी सुपर विलन प्रोफेसर पिग पर एक सोलो प्रोजेक्ट। तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा डीसी सुपर विलन प्रोफेसर पिग की ओरिजिन स्टोरी पर बात करने का। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो प्रोफेसर पिग का रियल नेम डॉक्टर लेज़लो वैलेंटाइन था और उसका फर्स्ट अपियरेंस बैटमैन इशू नंबर 666 में हुआ। लेज़लो एक साइंटिस्ट स्लैश सर्जन था जो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन स्पाइरल के लिए काम करता था। इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक माइंड कंट्रोलिंग ड्रग बना रहा था जिससे मर्सिनरीज के माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इन केमिकल्स के एक्सेसिव कॉन्टैक्ट की वजह से डॉक्टर लेज़लो के खुद के दिमाग पर भी इन केमिकल्स का बुरा असर पड़ा और उसे एक डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया, जिसकी वजह से डॉक्टर लेज़लो क्राइम की तरफ मुड़ गया और उसने एक नई जिम्मिक चुनी, प्रोफेसर पिग, जिसमें वो एक पिग का मास्क अपने चेहरे पे पहनता था और हैमर्स और नाइफ्स को एज अ वेपन इस्तेमाल करता था। प्रोफेसर पिग ने अपना गैंग बनाया और गौथम सिटी में बहुत से क्राइम्स किए। जब गौथम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट ये क्राइम्स कंट्रोल करने में अनसक्सेसफुल रहा, तो बैटमैन और नाइटविंग इस केस में कूदते हैं और प्रोफेसर पिग को पकड़ के आर्कम असाइलम में डाल देते हैं। लेकिन कुछ ही मंथ्स बाद आर्कम असाइलम में एक रायोट होता है जिसके दौरान प्रोफेसर पिग वहां से भाग निकलता है और वो एक खाली पड़ी हॉस्पिटल फैसिलिटी को अपने नए अड्डे के तौर पर चुनता है। प्रोफेसर पिग के जो मर्सिनरीज होते हैं वो गौथम सिटी से लोगों को किडनैप करके लाते हैं, जिन पर प्रोफेसर पिग अपने केमिकल्स का टेस्टिंग करता है और एक तरीके से अपने इन माइंड ड्रग्स के थ्रू उनका ब्रेन वॉश कर देता है और डॉल के मेटल जो फेसेस होते हैं उनको जला के उन विक्टिम्स के मुंह पे चिपका देता है और उन्हें एक तरीके से माइंडलेस जॉम्बीज बना देता है और उन्हें नाम देता है डॉलेट्रॉन आर्मी। ये आर्मी प्रोफेसर पिग के इशारों पर नाचती है और प्रोफेसर पिग के एक इशारे पर किसी की जान भी ले सकती है। प्रोफेसर पिग की ये डॉलेट्रॉन आर्मी की कैपेबिलिटी का अंदाज़ा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि जो स्केयरक्रो होता है वो तक मिलियंस ऑफ डॉलर ऑफर करता है प्रोफेसर पिग को और वो प्रोफेसर पिग से डील करता है कि मेरे लिए भी कुछ डॉलेट्रॉन आर्मीज बना के दो जो मेरे लिए काम करें। अब इसकी वजह से होता क्या है, प्रोफेसर पिग बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लग जाता है क्राइम वर्ल्ड में, लेकिन बहुत से ऐसे सुपर विलन्स होते हैं जिनको प्रोफेसर पिग की ये बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी हजम नहीं होती। उनमें से एक सुपर विलन होता है बेन, जो प्रोफेसर पिग की हॉस्पिटल फैसिलिटी पर हमला करता है और उसके सभी डॉल्टन आर्मी को मार देता है और प्रोफेसर पिग से ये कहता है कि अगर वो अपनी जान की हिफाजत चाहता है तो वो बेन के लिए वर्क करे। बैटमैन और प्रोफेसर पिग दोबारा टकराते हैं, लेकिन इस बार बैटमैन प्रोफेसर पिग को काफ़ी लंबे टाइम के लिए आर्कम असाइलम भेज देता है। आगे की कॉमिक बुक्स में हम ये देखते हैं कि प्रोफेसर पिग रिटर्न होता रहता है और बैट फैमिली के लिए भी एज अ विलन काम करता है, जैसे नाइटविंग के अगेंस्ट, रेडहुड के अगेंस्ट और टीन टाइटन के अगेंस्ट भी विलन के तौर पे हमें वो नजर आता है। तो गाइज, इस ओरिजिन स्टोरी को जान के हमें ये पता चल रहा है कि प्रोफेसर पिग एक डार्क और रियलिस्टिक कैरेक्टर है जिसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है। शायद यही रीजन है कि मैट रीव्स रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन के लिए, जो एक रियलिस्टिक टोन का बैटमैन है, उसके लिए उन्होंने प्रोफेसर पिग जैसे सुपर विलन को चुना है। तो गाइज, क्या आपको लगता है प्रोफेसर पिग एक अच्छा सुपर विलन साबित हो सकता है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।